हत्या पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एक्स पर पोस्ट किया और चिराग पासवान ने लिखा है कि विकासशील पार्टी के संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या बेहद निंदनीय है। दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी और मेरी पार्टी की गहरी संवेदनाएं हैं। तो इस घटना के बाद अब तमाम नेता मंत्री अब पोस्ट कर रहे हैं, गहरी संवेदना जता रहे हैं और इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और जीतन राम मांझी ने लिखा है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या की सूचना से स्तब्ध हूं। मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाए। मैं और मेरी पार्टी इस दुख की घड़ी में हर तरह से मुकेश सहनी जी के साथ हैं। तो एक तरफ आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल जांच भी शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बता दें मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड से अब खलबली मच गई है। बताते चले आपको, एक तरफ हाई प्रोफाइल जांच शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। आरजेडी नेताओं ने बिहार सरकार और पुलिस पर भी सवाल उठाया है। अब पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लग रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड की एक तरफ देखिए हाई प्रोफाइल जांच शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ इस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। अब देखिए आरजेडी नेताओं ने बिहार सरकार और पुलिस पर सवाल उठाया है के पिताजी की हत्या का समाचार मिल रहा है, यह काफी दुखदाई है और इस तरह की घटना अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। कहीं ना कहीं अपराध अपराधियों पर जिस तरह से शिकंजा कसी जानी चाहिए वो काम नहीं किए जा रहे हैं और अपराधियों के रहमो करम पर पूरा राज्य कहीं ना कहीं दिख रहा है। शासन पूरी तरह से तंबू हो चुका है, माइंडलेस गवर्नमेंट है। बिहार के अंदर में शासक अचेत अवस्था में है, अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं, जदयू भाजपा का नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं गोलियों के तड़ाहट से। प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है, जब निकलता है सुबह घर से शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जीतन सहनी की हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं और स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हत्या का सिलसिला और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ। मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और जो भी दोषी होंगे जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन दरभंगा से जुड़ रहे हैं। विपिन, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है?
बता दूं कि एफएसएल की टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन एसआईटी की टीम जो गठित की गई है काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, जो टीम बनाया गया है, काम्या मिश्रा खुद पहुंच चुकी है और जांच जो है, जो घटनास्थल है, घटनास्थल पहुंचकर सभी बिंदुओं पर खुद से जांच करने में जुट गई है जी। और विपिन, क्या कुछ खबर मिल रही है कि मुकेश सहनी कब तक पहुंचेंगे दरभंगा? जी, जो जानकारी आ रही है उन्हें, वो चूंकि जो मुंबई में है, मुंबई से उन्होंने हैदराबाद का जो है फ्लैट लिया है और हैदराबाद से पटना आएंगे, इसके बाद आएंगे। तो जो बताया जा रहा है उनके ग्रामीणों के द्वारा या जो उनके संबंधी हैं उनके द्वारा, कि वो शाम तक यहाँ पटना, जो दरभंगा है, सुपौल गाँव है, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो शाम तक उनके पहुँचने की उम्मीद की जा रही है जी। और विपिन, अभी क्या आप इस वक्त अभी आप कहाँ मौजूद हैं, क्या आप घटनास्थल पर मौजूद हैं? जी, बता दूं कि घटनास्थल शहर से 50 से 60 किलोमीटर अभी विपिन, वहाँ पर कौन कौन लोग पहुंचे? देखिए, मंत्री शीला मंडल भी वहाँ पर पहुंची थी, क्या कोई और वहाँ पर नेता या मंत्री पहुंचे हैं? स्थानीय में सभी जनप्रतिनिधि है, शीला मंडल भी पहुंच चुकी है और लोग जो है यहाँ के सांसद है वो भी, उनके भी आने की बात कही जा रही है। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो भी पहुँच रहे हैं, साथ में अभी तुरंत जो है SSP जगन्नाथ रेड्डी खुद वहाँ पहुँच चुके हैं और सभी बिंदुओं पर खुद से जांच करने के लिए जो उनके SIT की टीम है उनके साथ वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर विपिन? पुलिस प्रशासन जो प्रारंभिक अपने जो बयान जारी किया है वो चोरी का ही बयान उन्होंने बताया है और अभी भी दूसरा बयान उन्होंने नहीं जारी किया, क्योंकि SSP जगन्नाथ रेड्डी अभी तुरंत पहुंचे हैं, तो चूंकि उनके छानबीन करने के बाद ही वो बयान जारी कर पहुंचे हैं। SIT की जो टीम गठित है, सारे टीम के लोग कुछ देर का SSP जांच करके निकलेंगे कमरे से, उसके बाद उनसे जब पूछा जाएगा सवाल, तो उनका क्या पक्ष रहता है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस की जो थ्योरी है, चोरी की थ्योरी है, या जो क्या सामने आती है वो देखना होगा जी। विपिन, इस घर में मुकेश सहनी के पिताजी के अलावा और कौन कौन रहते थे? मुकेश सहनी के पिताजी यहाँ के साथ कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक दो काम करने वाले थे जो उनके साथ उनके यहाँ आया जाया करते थे और उसके अलावा उनके परिवार में कोई नहीं था। भले गांव था, पैतृक गांव था, तो उनका जो चचेरा भाई है या दियाद के लोग हैं वो लोग अगल बगल में रहा करते थे, लेकिन परिवार अपने घर में वो अकेले ही रहा करते थे जी। यानी कि दो लोग थे जो कि उनका देखभाल करने के लिए वहां पर रहते थे, वो लोग कहाँ है फिलहाल अभी? वो लोग भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, अलग से टीम जो है मनीष चंद चौधरी जो है उनसे पूछताछ कर रहे हैं अकेले में, कि आखिर क्या परिस्थिति थी कल, क्या कैसे दिनचर्या उनका रहा सुबह से रात। ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि जांच के बाद सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। यह सुन के बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की, पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होंगे वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पिताजी की हत्या नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा।